सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम। मेरा नाम निहारिका कुलकर्णी है और मैं रॉयटर्स के साथ काम कर रही हूँ, और अभी मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 months हो गए रॉयटर्स के साथ। और ये अभी न्यूज़ मुझे पता जब चला तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया, फ्रांसिस ने, और जब उन्हें बताया तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मुझे पहले लगा कि ठीक है ऐसे ही बोल रहा होगा, क्योंकि अभी तक ये ऐसा टाइम आ गया, 2 दिन हो गए, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे हुआ है। और उन्हें जो किया है, मतलब अपने लाइन ऑफ ड्यूटी पे उनका ऐसा हुआ है, तो ऐसे बोलना चाहेंगे वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और मुझे सिर्फ एक मेरा था कि उनका मिलने का चांस चाहिए था, क्योंकि लास्ट में 2018 में मिली थी जब मैंने मुंबई मेरे में स्टार्ट किया था एक, तब वो इंसिडेंट याद है मुझे, जब हम लोग शूट करने के बाद मेरा एक सीनियर है और एक है दानिश सर, हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे खाने के लिए, और तब फ्रांसिस ने इंट्रोड्यूस किया कि दिस इज़ निहारिका। तब सर ने बोला था कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कौन है। उस टाइम से मेरे को लगा कि हाँ, कि मतलब मैंने कुछ ऐसा किया है शूट जो उन्हें नोटिस किया है। और फिर उसके बाद अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि दानिश सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया रॉयटर्स में। और एवरीडे उनसे मेरा बात होता था, एवरीडे बेसिस पे बात होता था, असाइनमेंट्स मिलते थे, और उन्हें बहुत मोटिवेट किया मुझे। और मैं उनको यही, मेरा एक ही इच्छा था कि मैं उनको मिलूँ, लेकिन जो हो नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, और आई विश कि मैं उनको प्राउड कर पाऊँ। कल पता चला दानिश सिद्दीकी नहीं रही, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। हम लोगों ने घट्टा 3-4 साल काम किया था, और उस वक्त बहुत सारे असाइनमेंट्स पे हम लोग इकट्ठे जाते थे, तो उनको पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे एक बहुत बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट ऐसे का ऐसे एग्जिट होना ये बहुत क्लेशदायक है, और मैं उनको आज ट्रिब्यूट करता हूँ। मेरा नाम एसएल शांत कुमार है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पेशल फोटो जर्नलिस्ट है। ये बहुत ब्लैक डे है, बिकॉज ऐसा सिचुएशन कभी सोचा नहीं है। ग्रेट फोटो जर्नलिस्ट है दानिश सिद्दीकी, बिकॉज वो साइलेंटली हमको बहुत इंस्पायर किया आदमी है। मैं हम लोग कम से कम 3 साल इधर काम किया साथ में, एंड बहुत कुछ सीखा उसको, बिकॉज सब फोटो जर्नलिस्ट हमारा कंट्री में वो जो काम किए उससे बहुत सीखा है। मैंने भी बहुत सीखा वो स्टोरीज़ कैसा करना है, वो स्टोरीज़ कैसा ब्रेक करना है, ह्यूमन इमोशंस को कैसा ब्रेक करना है। सो एवरी डे वॉज अ लर्निंग फ्रॉम दानिश सिद्दीकी। आई वॉज रियली शॉक्ड व्हेन आई हियर द एंटायर फर्टर्निटी, हम लोग का दिल आई डोंट नो कैसा है, मेरे को अभी तक यकीन नहीं आ रहा वो ऐसा हुआ करके। आई एम स्टिल बिलीविंग दैट वो जिंदा है, किधर तो है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा आदमी हमारा कंट्री को, हमारा पूरा फ्रेटर्निटी को, इट्स अ मिस। मतलब ऐसा जर्नलिज्म मेरे को नहीं मालूम कोई ऐसा, इतना इंटेंस, इतना प्यार से, इतना जो बोलने का था उसको बोलने का ही था। ई ब्रोक द स्टोरी, ई ब्रोक द एंटायर फ्रेटर्निटी। हम लोग को सोचने को भी लगा दिया वो कैसा काम कर सकता है, हम लोग कैसा करना है। सो आई डोंट नो, बट गॉड हैज़ टू बी मर्सी। उसके साथ जो हुआ है उसे नहीं होने का था, क्योंकि वो उसका काम किया है। सो हमारा सब फैटर्निटी को, मैं उसका लाइफ को अभी यू नो आई विल रियली यू नो वी विल सेलिब्रेट हिज लाइफ जो हमारा, क्योंकि ना ही इज़ स्टिल लिविंग एज अ लेजेंड। वो लेजेंडी बिकॉज मेरा दिल से वो जो भी पिक्चर किया इट विल लिव फॉर एवर एंड एवर। अभी आगे का जनरेशन जो बच्चे लोग जो फोटो जर्नलिस्ट जो आ रहे हैं उसको जो काम जो किया हुआ वो सीखने को मिलेगा, वो हिस्ट्री में एक पार्ट हो गया। सो ही इज़ द वन ऑफ द हिस्ट्री एंड ही इज़ अ लेजेंड, एंड आई प्रे टू गॉड दैट इज मे सोल इज़ रेस्ट इन पीस फॉर एवर। एंड दानिश भाई अब किधर भी हो पीसफुली भी, वी लव यू मैन, वी मिस यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान अंसारी, फ़ोटो जर्नलिस्ट। दानिश सिद्दीकी हमारे बहुत करीबी दोस्तों में से एक थे। कल अचानक से उनकी न्यूज़ देखी कि वो कंधार में जहाँ बहक हो गए, सुनकर तो
तो यकीन नहीं आया, बट बाद में न्यूज़ चैनल्स वगैरह के माध्यम से पता चला कि नहीं, ये कन्फर्म है। दिल्ली जाने से पहले वो मुंबई में ही थे, बहुत ही अच्छे फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, काफ़ी पिक्चर्स उनकी जो अवार्ड जीत चुकी हैं, और भी उन्होंने अभी जो कोविड में काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। बस अब दुआ कर सकते हैं उनके लिए, अल्लाह जन्नत नसीब करे।